हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करें हमारे स्टिक्स के बारे में। ये हमारे स्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं 3 स्टिक्स रखे हुए हैं और इनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे, किस वक्त, कौन से मंथ और कौन से फ्रैक्चर के लिए यूज़ करेंगे, आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप में से किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकें। और या फ्रेंड्स, तकरीबन 80% से ज़्यादा मेरे व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं जो अनसब्सक्राइब हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे फ्रैक्चर के बारे में वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको वहाँ पे सारे मेरे वीडियोज़ फ्रैक्चर के बारे में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए या उससे मुझे अर्निंग करना है, नहीं, मुझे बस आप लोगों का हेल्प करना है। क्योंकि हमारे बहुत से फ्रैक्चर वाले भाई ऐसे हैं भाई जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, भाई हमने कौन से स्टिक यूज़ करना है, कैसे करना है, कैसे एक्सरसाइज करने हैं। तो ये मैं सिर्फ ऐसे आप सबके लिए बना रहा हूँ और मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मेरा मेमोरी भी हो जाए, भाई मैंने इतने दिनों में क्या किया क्या नहीं किया है। तो फिर हम बात करें वर्कर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्कर है, ये कैसे यूज़ करने हैं और कितने मंथ्स के लिए यूज़ करने हैं। पहला, ये वर्कर आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है, फार्मेसी से भी मिल सकता है। ये हमने तकरीबन 0% वेट से लेके 100% वेट तक यही यूज़ करना है, वॉकर यूज़ करना है। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं भाई आप 40% वेट से चलना स्टार्ट करेंगे तब भी आपको वॉकर चाहिए, अगर आप बोलेंगे भाई 95% वेट फिर भी आपको वॉकर ही चाहिए। क्योंकि वॉकर से क्या होता है, आपके हाथों के ऊपर बैलेंस होता है, आप ऐसे टांग को अपने आप ऐसे लेग को ऊपर करके भी आप चल सकते हैं। और ये बहुत सिंपल, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं ट्रैवल के लिए, ऐसे बंद भी हो सकता है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और अपने साइज़ के मुताबिक इसको यहाँ से छोटा नीचे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको जो है ना लेग में 0% भी वेट नहीं डालेगा। जितना आप बोलेंगे भाई हमने इसको वेट डाला, उसी के अंदाज से डाल सकते हैं। अगर आपको 0% का बोलेंगे तो आप ऐसे लेग को ऊपर करके भी चल सकते हैं टांग के ज़रिए। अगर आपको बोलेंगे भाई 50%, आप 50% से भी चल सकते हैं। लेकिन ये बहुत बेस्ट है, ऐसे आपको बहुत से टाइप के मिलेंगे, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, या फिर आपको खुद ही ऊपर नीचे करने हैं तो फिर भी इसमें यह सिस्टम लोगों ने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं ये फोर लेग स्टिक इसको बोलते हैं, चार टांग वाला, ऐसे तीन लेग वाला भी आता है, मैंने चार लेग वाला लिया। ये आपको सीधे रास्तों के लिए बेस्ट है, जैसे ज़मीन लेवल है आप उसको यही यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको डॉक्टर, हर किसी का डॉक्टर अपना बोलता है, मुझे तो इसने यही बोला भाई आप फोर लेग वाला पहले ले लो। मैंने तकरीबन 3 मंथ तक ये यूज़ किया वॉकर, तीन मंथ्स के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला भाई आप फोर लेग वाला स्टिक ले लो। फोर लेग से क्या होता है भाई, आप हाथ उसके आप इसका भी आपको सेम यही हाइट रखना है बस। तो फिर इसका भी, तो फिर अभी हम बात करते हैं स्टिक के बारे में। फिर इसका भी आपको सेम यहीं तक हाइट रखना है, इधर का हाइट आपको रखना है और ये इसको आप नीचे ऊपर भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, इनके ये आपको पूरे करने चाहिए, रबर देख रहे हैं, इससे क्या होता है आपको चलने में भी आसानी हो जाएगा और ये स्टिक के लिए भी सही है, ये बराबर के लिए भी सही है, क्योंकि आप रखेंगे तो फिर भी सही होता है ऐसे। तो फिर इसका आपको यही सेम हाइट रखना है। और ये किस लिए होता है, ये सीधा जगह के लिए, जिधर आप पसंद के तौर पर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका फ्रैक्चर में 90 से ऊपर हो चुके हैं या 100 दिन पूरे हो चुके हैं तो आपको डॉक्टर इसी का मशवरा दे देंगे। मुझे तो इसी का मशवरा दिया था भाई आप इसी को यूज़ करेंगे। तकरीबन मैंने ये 15 से 20 दिन तक यही यूज़ किया है, सिर्फ घर के अंदर, जो आप सीधा मतलब रास्ता सही है, सीधा है, ज़मीन बराबर है तो आप इसी को यूज़ करेंगे। इसका चलने का तरीका सेम है, ठीक ही जैसा है, देखिए आप सेम स्टिक जैसा है, लेकिन इसको फोर लेग स्टिक बोलते हैं। ये भी आपको मार्केट में कहीं से मिल सकता है, फ्रैक्चर वाली चीज़ हर जगह मिल जाएंगे आपको, किसी हड्डी वाले हॉस्पिटल में अभी अगर आप जाएंगे, फ्रैक्चर जो हॉस्पिटल होते हैं उनके पास जो फार्मेसी वगैरह होते हैं उनके पास भी आपको मिल जाएगा, और जो बड़े मार्केट वगैरह होते हैं उनके पास भी आपको ये तीनों चीज़ें मिल सकते हैं, मतलब जो भी फ्रैक्चर वाली चीज़ होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे भाई। इसको फोर लेग वाला स्टिक बोलते हैं, ये भी आपको सीधा सिर्फ सीधे वाले रास्तों में यूज़ करना है और बाकी कहीं पे नहीं। मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन ये यूज़ किया, सिर्फ घर के अंदर मैंने यूज़ किया, बाहर में क्यों झूठ बोल नहीं लेके गया था मैं। और फिर हम बात हैं स्टिक के बारे में भाई, इसको सिर्फ वन लेग स्टिक भी बोलते हैं, खाली स्टिक भी बोलते हैं इसे।
ये क्या होता है, जब आप फुल वेट के साथ चलेंगे ना, ये भी फुल लेवल का फुल वेट से यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको अगर डॉक्टर बोलता है भाई आप 70% वेट से चलेंगे या चाहे 80% वेट से चलेंगे, फिर आपको वॉकर ही चाहिए। स्टिक सिर्फ 100% वेट के लिए आपको जब डॉक्टर चलने को बोलेगा, फिर भी आप डॉक्टर चाहे कंसल्ट हो या जो भी हो, आप उससे बात करके फिर आपने स्टिक यूज़ करना है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, आपको बस सिर्फ डॉक्टर को ही फॉलो करना है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, भाई फलाना ने ये चीज़ बोला है तो उसने ये चीज़ बोला, मैं ऐसा करूँ, नहीं आपने ऐसा नहीं करना है। जो आपका आपको डॉक्टर बोल रहा है आप उसी पे फोकस करें, तवज्जो दें इसके ऊपर। तो ये ओनली एक स्टिक है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, जब बाहर जा रहा हूँ किसी दोस्त के पास या किसी दुकान में, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, आपका लिपिंग भी सही हो जाएगा और आपका बैलेंस भी बराबर रहेगा, क्योंकि जितने फ्रैक्चर वाले हैं उनका भी थोड़ा बहुत चक्कर किसी को भी आ सकता है, क्योंकि 2-3 महीने तक सिर्फ बेड रेस्ट पे होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आपको यही स्टिक ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको सर में कुछ चक्कर वगैरह आ जाए तो आप यही स्टिक यूज़ करेंगे। मैं आपको एक स्टिक से राउंड तक राउंड मैं आपको स्टिक से ग्राउंड लगा के देता देखता हूँ। लेकिन स्टिक से आप कैसे यूज़ करेंगे, जब आप अपना जो लेग है इसको आगे लाएंगे, स्टिक उससे लगा देंगे। ये फुल लेग वाला स्टिक जैसा, ये भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि आप अपना ऐसे जो आपका फ्रैक्चर लेग है जो सही लेग है उसको आप आगे करेंगे फिर आप स्टिक को लेके आएंगे, नहीं। और इसका दूसरा तरीका ये है, आपका जो फ्रैक्चर हुआ है, अगर आपका राइट लेग फ्रैक्चर तो आप किसी लेफ्ट लेग में लेफ्ट हैंड में करेंगे, अगर आपका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर तो आपको उसको राइट हैंड पर करना है, ठीक है। अगर चलेंगे कैसे, ऐसे चलेंगे जैसे मेरा राइट लेग फ्रैक्चर है, ठीक है। मैं कैसे चलूँगा इसके पीछे ताकि कितने लग जाए, मेरा राइट लेग फ्रैक्चर है, मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बैलेंस इसके ऊपर टांग के ऊपर नहीं आएगा, मेरा हाथ के ऊपर आएगा, जितना मेरा जोर वेट है उसके ऊपर आ जाएगा, फिर मैंने ये टांग ऐसे करना है, समझो आपका टांग बंद है, आप इन दोनों ये दोनों आपके टांग बन गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये से आप चलेंगे, देखें ऐसे आपने यूज़ करना है इसको। तो हमारा वीडियो आज का होता है ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी पूछ सकते हैं।